वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज बात करेंगे एक अधूरे श्लोक के बारे में, जिसके बारे में गलत व्याख्या जो है राजनीतिक वर्ग जो है हमेशा करता है, और वो जो वाक्य है वो है सर्व धर्म संभाव। इसकी जो गलत व्याख्या है वो गांधी जी ने शुरू की थी, उसके बाद जो है सभी राजनीतिक दल जो है वर्ग जो है वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी राजनीतिक लाभ के लिए। इसको ऐसे दिखाया जाता है कि इसका मतलब यह है कि सभी धर्म, धर्म से उनका तात्पर्य सभी रिलीजन जो है वो एक होती हैं, एक जैसी होती हैं, और ये गलत व्याख्या है इसकी। तो इसकी अगर हम सही व्याख्या को समझने की कोशिश करें तो एक एक शब्द को आप देखिए, सर्व का मतलब होता है सभी, धर्म का मतलब जो हिंदू धर्म में होता है वो होता है कर्तव्य, तो आपके क्या कर्तव्य हैं उसी को जो है धर्म कहा गया है। सम का मतलब होता है समान, समानता, और भाव का मतलब होता है भावना। यानी इसका जो मतलब हो जाता है वो ये हो जाता है कि हमें सभी धर्मों का पालन समान भाव से करना चाहिए, इसका ये मतलब हो जाता है। तो एक बात जो समझने की है, ये जो टर्म आया है वो उपनिषदों से आया है। उपनिषद काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है, इतने प्राचीन है कि उस समय दूसरी रिलीजन होती ही नहीं थी। तो जब दूसरी रिलीजन होती ही नहीं थी तो उसकी और इधर तुलना हो ही कैसे सकती है। तो हमारे यहाँ जो है धर्म का मतलब कर्तव्यों से है, जैसा राष्ट्र के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उसको हम राष्ट्र धर्म कहते हैं, एक राजा के जो है राज्य के प्रति जो कर्तव्य हैं उसको राजधर्म कहते हैं, गुरु का जो गुरु के प्रति शिष्य का जो धर्म है उसको छात्र धर्म कहा जाता है, पत्नी का पति के प्रति जो कर्तव्य है उसको हम पतिव्रता धर्म कहते हैं। तो धर्म का आप अगर मतलब समझें तो यहाँ कर्तव्यों से होता है हमारे धर्म में, और रिलीजन का मतलब जो है कर्तव्यों से नहीं होता है। उसका मतलब जो होता है वो ये कि एक समुदाय के लिए कुछ नियम कायदे आपने निर्धारित कर दिए और उसी को आप रिलीजन बोल रहे हैं। तो धर्म और रिलीजन जो है समान नहीं होते, और धर्म का कोई इक्वलेंट अंग्रेजी वर्ड जो है ही नहीं। इसीलिए जो है ये जो व्याख्या की गई है ये गलत है। इस शब्द का जो असली मतलब है, इस टर्म का जो असली मतलब है वो ये है कि हमको सभी धर्मों का पालन समान भाव से करना चाहिए, और सभी से जो है हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यानी राष्ट्र के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, अगर हम एक पिता हैं, एक पुत्र हैं, एक पत्नी है, एक पति है, तो जो भी हमारे कर्तव्य हैं, या आप छात्र हैं तो स्टूडेंट होने के नाते आपके जो कर्तव्य हैं, तो सभी कर्तव्यों का हमें ऐसे पालन करना चाहिए जैसे हम जो है उससे जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सभी जो है समान भाव से, यानी समान भावना से, ऐसा नहीं है कि एक कर्तव्य छोटा है दूसरा कर्तव्य बड़ा है, तो सभी को हमको समान भावना से करना चाहिए। उसका मतलब जो है यही है। तो मतलब जो बताया जाता है वो नहीं होता है कि सारी रिलीजन जो है एक जैसी हो जाती है। इसके साथ आज की बात ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे।